दोबारा ये चैलेंज कर रही हूँ कि अगर इनको प्रियंका के पास चलते हमारे सहयोगी दिल्ली से लाइव मौजूद हैं। प्रियंका, वैक्सीन पर राजनीति हो रही है, चाहे फिर वो वैक्सीन की बर्बादी का मुद्दा हो या फिर वैक्सीन की कमी का मुद्दा। प्रियंका, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। इस बीच जो सियासत हो रही है, क्योंकि लगातार जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं, उसमें यह दावा किया गया है कि झारखंड सबसे ऊपर है जहां पर वैक्सीन की बर्बादी लगभग 37% है, और इसके बाद तमाम राज्य हैं, क्योंकि जो लिस्ट जारी की गई थी उसके बाद जो आंकड़े सामने आए हैं उस पर तकरार बढ़ रही है। प्रियंका, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो जो तकरार है वो बढ़ती जा रही है, चाहे फिर वैक्सीन की कमी हो या वैक्सीन की बर्बादी। दिल्ली में तो अगर बात करें जसप्रीत, तो वैक्सीन की कमी ही मुख्य मुद्दा बना हुआ है। ये देखिए आप, एक वैक्सीन सेंटर के बाहर हम हैं जहां पर पर्चे चिपका दिए गए हैं कि 24 तारीख से यहां पर वैक्सीन नहीं है। कल दिल्ली सरकार ने जो आधिकारिक घोषणा की है उसके अनुसार बताया गया है कि 18 से 44 साल के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर जहाँ पर 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लग रही थी, वो सारे सेंटर्स बंद हो चुके हैं। हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, 45 से ऊपर साल के लोगों के लिए को वैक्सीन पूरी तरीके से खत्म हो गई है। दिल्ली के पास केवल 12 दिन का कोविशील्ड का 45 से ऊपर के लोगों के लिए जो स्टॉक है वो है, यानी कि दिल्ली में 18 से 44 के लोगों के लिए पूरी तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में कल भी अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार से ये अपील की थी कि जल्द से जल्द दिल्ली को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए ताकि इन प्रोग्राम्स को रिज्यूम किया जा सके। ठीक है प्रियंका, लौटेंगे आपके पास। इस बीच राजस्थान से खबर है कि वहां 18 से 44 साल तक लोगों के लिए वैक्सीन खत्म हो गई है और 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए सिर्फ 2.5 लाख ही टीके बचे हैं। राज्य सरकार की तरफ से यह दावा किया गया है कि वैक्सीन खरीदने के 59 करोड़ रुपए पहले ही दे चुकी है, सीरम इंस्टीट्यूट को 47 करोड़ और भारत बायोटेक को 12 करोड़ दिए गए हैं। राजस्थान सरकार का आरोप है कि पैसे पहले देने के बाद भी उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। भवानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। भवानी, जो राज्य सरकार का आरोप है कि पैसे दे दिए गए हैं, करोड़ों की रकम चुकाने के बाद भी वैक्सीन की कमी है। देखिए, अब राजस्थान सरकार का कहना है कि उन्हें वैक्सीन मिल नहीं रही है। उन्होंने ग्लोबल टेंडर किया, ग्लोबल टेंडर के अंदर कंपनियां आई नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर्स आए और उन्होंने जो रेट्स दी वो भी ज़्यादा थी, इसलिए वैक्सीन मिली नहीं है। और अब दूसरा, इसी वजह से क्योंकि वैक्सीन राजस्थान के अंदर है नहीं, केवल 45 प्लस के लिए, वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर हूँ, ये यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर बंद है और अंदर बता दिया गया है कि 18 प्लस के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इसलिए आप देख सकते हैं कि पूरा सन्नाटा नज़र आ रहा है, सेंटर के बाहर कोई नहीं है क्योंकि वैक्सीन नहीं लग पा रही है। 45 प्लस के लिए भी वैक्सीन इतनी उपलब्ध नहीं है। अब राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है केंद्र सरकार के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट से मांग करेगी कि वो केंद्र सरकार से कहे कि राजस्थान को वैक्सीन दिलाए और ये केंद्र की जिम्मेदारी है। राजस्थान सरकार का कहना है कि कंपनियां जो कोविशील्ड और जो ICMR और जो कोवैक्सीन है, दोनों को ने उनको कोवैक्सीन मिल पा रही है, ने कोविशील्ड मिल पा रही है और दोनों कंपनियों को उन्होंने पैसा दिया था, उसके बावजूद सप्लाई की अभी तक गारंटी नहीं, तो वैक्सीन कहां से मिलेगी? जो टेंडर किए गए, विदेशों से टेंडर की कोशिश की मंगाने की, वो नहीं आ रहे हैं, यहाँ से वैक्सीन नहीं मिल पा रही है और वैक्सीनेशन करें कैसे? इसलिए, और जो एक आरोप राजस्थान सरकार पर भी है कि राजस्थान में भी वैक्सीन का वेस्टेज हुआ, उस पर राजस्थान सरकार ने सफाई दी है कि जो उनको वैक्सीन दी गई उसका कुछ हिस्सा पैरामिलिट्री फोर्स को दे दिया गया, वेस्टेज उतना नहीं है जितना आरोप लगाया जा रहा। जी ठीक है भवानी, लौटेंगे आपके पास। तो राज्य सरकार की तरफ से भी ये बात नकारी गई है। दरअसल जो वैक्सीन की बर्बादी है उसके मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री असलम शेख ने भी बयान दिया और उन्होंने केंद्र सरकार के आंकड़ों पर ही सवाल खड़े कर दिए। जब कोई क्वांटिटी किसी राज्य में या कहीं दी जाती है तो एक सर्टन नंबर उसमें वेस्टेज पकड़ा जाता है। अब कभी कभी किसी वायल के अंदर बच भी जाता है, तो आज हर सेंटर के ऊपर कतार लगी है। तो मुंबई महानगर पालिका तो अगर जो वायल में एक आधा किसी का बच भी जाता है तो उसको बुला के दे देती है, आज माइनस में चल रही है, यानी वेस्टेज होने का सवाल नहीं होता। लेकिन कहीं पर वेस्टेज हो भी जाता है, हर राज्य में होता है, और कोई भी चीज़ जब इतने बड़े पैमाने में होती है हर राज्य में, कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन थोड़ी बहुत वेस्टेज होती है।
लेकिन उसको किसी राज्य के ऊपर ब्लेम करना ये ठीक बात नहीं है। दिवाकर, जो असलम शेख कह रहे हैं क्योंकि वैक्सीन की बर्बादी का मुद्दा छाया हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने भी इसको नकार दिया है। देखिए, साफ तौर पर जब केंद्र सरकार की तरफ से बयान जारी किया गया था कि महाराष्ट्र में 6% वैक्सीन जो है वो बर्बाद हुई है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने काउंटर अटैक करते हुए कहा था कि 0.22% जो वैक्सीन है वो महाराष्ट्र में सिर्फ बर्बाद हुई है और जो केंद्र आरोप लगा रहा है वो गलत है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, मैं वहाँ जो मौजूद हूँ, पालघर जिले का ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ क्या स्थिति है? ये सरकारी जो अस्पताल है, वानगांव क्षेत्र है पालघर जिले में, यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, लेकिन स्थिति क्या है मैं आपको बता देता हूं। आमतौर पर देखने को मिलता है कि वैक्सीनेशन शुरू होता है उसके पहले बड़ी संख्या में भीड़ वैक्सीन लेने के लिए लगी रहती है, लेकिन यहां पर बिल्कुल सन्नाटा है। सबसे बड़ी वजह क्या है कि यहां के आसपास के जो इलाके हैं वो आदिवासी इलाके हैं और वो लोग वैक्सीन लेने से डर रहे हैं, क्योंकि उनको ये डर है कि वैक्सीन लेने के एक महीने के बाद उनकी मौत हो जाएगी और यही वजह है कि वो वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लेने नहीं पहुंच रहे हैं। सबसे अहम बात यह कि उन्हें जागरूक करने की जिम्मेदारी जो है वो महाराष्ट्र सरकार की है, लोकल प्रशासन की है, कि उन्हें किस तरह से समझाया जाए, किस तरह से जागरूक किया जाए कि वो वैक्सीन लेने के लिए पहुंचे। लेकिन एक बड़ा जो तबका है वो वैक्सीन लेने के लिए पहुंच ही नहीं रहा है, जो कि एक चिंता की बात है, क्योंकि अगर कोविड में अगर लड़ना है तो वैक्सीन को आपको लेना ही जो बहुत जरूरी है। तो खास तौर पर आप स्थिति देख सकते हैं मेरे पीछे कार्यालय की, यहां पर सन्नाटा है। और आम तौर पर जब वैक्सीनेशन सेंटर पर आप देखते होंगे, चाहे मुंबई में देख लें या बने रही हमारे साथ, दरअसल हरियाणा ने भी वैक्सीन बर्बादी पर केंद्र सरकार के आंकड़ों को गलत बताया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दावा किया कि उनके राज्य में वैक्सीन की बर्बादी का प्रतिशत महज 2.5% है। डाटा आ गया 2 से 2.5% है। हम जो वेस्टेज है हमारी हरियाणा की, वो आंकड़े ठीक नहीं थे, काफी डाटा चढ़ा नहीं हुआ था, तो वो सारा ठीक कर लिया गया है और फाइनल बता दिया गया कि हमारी जो वेस्टेज है 2 से 2.5%। प्रियंका, जो हरियाणा सरकार की तरफ से नकारा गया है कि आंकड़े सही नहीं है और कई राज्य कह रहे हैं कि आंकड़े अपडेट नहीं हुए हैं, लेकिन दिल्ली की बात करें तो यहां पर वैक्सीन की बर्बादी तो मुद्दा नहीं है, वैक्सीन की कमी, और जो बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है अरविंद केजरीवाल पर, तो ऐसे में सच्चाई क्या है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार इस बात को उठाती आ रही है कि दिल्ली में स्टॉक ही नहीं बाकी है वैक्सीन का, अगर कल की अपडेट आपको बताएं तो अब दिल्ली के पास 2,68,000 के लगभग कोविशील्ड का सिर्फ स्टॉक बाकी है, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 से 12 दिन का है, इसके अलावा कोवैक्सीन की उपलब्धता नहीं है। वहीं पर बीजेपी का आरोप है कि जब समय था, जब राज्य जो थे टेंडर्स भेज रहे थे, एडवांस पेमेंट कर रहे थे, तब दिल्ली ने कोई कदम नहीं उठाया और अब राजनीति वैक्सीन के पूरे मुद्दे पर कर रही है। हालांकि कल अरविंद केजरीवाल ने इस बात को कहा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि राज्य अपने लेवल पर ग्लोबल टेंडर्स को कोशिश करें, उसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से कोशिशें की गई, कोई भी कंपनी जो है वो डायरेक्ट डील नहीं करना चाह रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार के लोग उनसे बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे में फिलहाल दिल्ली की जो स्थिति जसप्रीत बनी हुई है वो ये है कि 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन है ही नहीं, 45 साल के लोग, हेल्थ केयर वर्कर और जो फ्रंटलाइन वर्कर थे उनके लिए कोवैक्सीन खत्म हो गई है, केवल कोविशील्ड का स्टॉक है 2,68,000 के लगभग, जो केवल 12 दिन दिल्ली में वैक्सीन करवा पाएगा। ठीक है, ठीक है, मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज,